जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, कई दफे इस तरह की परिस्थितियां निर्माण हो जाती हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद, सब कुछ हमारे पक्ष में होने के बावजूद ऐसा लगता है कि बस मानो अब काम बना और तब काम बना। ऐसा होते होते काम होते होते काम बनते बनते काम रुक जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी वजह जिम्मेदार होती है कि वो काम तो बनना लिखा ही था, आपके हक में वो चीज आनी ही थी। मान लीजिए कि कोई नौकरी थी जो आपको ऐसा था कि मिलने ही वाली है और वो नहीं मिली, या ऐसा था कि कोई बिजनेस डील आपकी होने ही वाली थी और रुक गई। तो ऐसा नहीं है कि वो रुक गई है, एक्चुअली क्या था कि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी ने उसको रोक दिया गया है, कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति आ गई है कि जिसने उस काम को रोक दिया है। तो आज मैं जो उपाय बताऊंगा, इस उपाय को करने से ऐसी कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी होने वाली होगी, वो नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी नहीं होगी। चाहे कैसी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपसे दूर हो जाएगी, और आप जिस क्षण वो काम करने के लिए जाएंगे आपका वो काम बड़े ही आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं ऐसा टोटका आपको कि जिस टोटके को करने से आप जिस किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए निकलेंगे वह काम आपका बन ही जाएगा, वह काम आपका किसी भी तरह से रुकेगा नहीं। आपको करना क्या है कि जब भी ऐसा लगे कि आपको कोई काम करने के लिए जाना है, अगले दिन आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, मान लीजिए कोई इंटरव्यू है, कोई बिजनेस डील है, कोई जमीन मकान का ऐसा सौदा है, कोई एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, कुछ महत्व का निर्णय लेने के लिए जा रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, किसी भी ऐसी जगह पर जहां आप जा रहे हैं कि जहां अगले दिन कुछ फैसला होने वाला है, तो आप क्या करें कि उसके अगले दिन रात्रि को जब आप सोने जा रहे हैं तो सोते वक्त आप क्या करें, 11 मेथी के दाने ले लें, और उन 11 मेथी के दाने में आप 11 दफे उनको आपने हाथ में ले लें और उसमें 11 दफे आप फूंक मारें, फिर उसको कागज में लपेट करके आप जहां आप सोने के लिए जा रहे हैं वह अपने बिस्तर में तकिए के नीचे आप उसको रख दें, और ये सोचते सोचते सो जाएं कि आपका ये काम बनना चाहिए, ये सोचते सोचते आप सो जाएं। अगले दिन जब आप काम के लिए निकलें तो उस मेथी के दाने को अपने जेब में डाल करके निकलें। अब जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी सभी नकारात्मक शक्तियों को इस मेथी के दाने ने अपने अंदर शोषित कर लिया है। जैसे ही कोई पहला चौराहा पड़ता है इस मेथी के दानों को अपने सर से 7 दफे वार करके कागज से खोल करके वहीं फेंक दे और इसके बाद आगे निकल जाए काम के लिए। आप देखेंगे कि आपका जो कोई भी काम के लिए आप निकले होंगे वो काम 110% आपके हक में बनेगा। तो जब भी आपको यदि कोई ऐसा लगता है कि संदेह वाला काम है, बहुत महत्वपूर्ण वाला काम है, हो सकता है नहीं हो सकता है, तब इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से आपका वो काम बन ही जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।